नमस्कार न्यूज इंडिया, आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर तेलंगाना से, कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट। दूसरी लिस्ट में 45 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को भी टिकट दिया गया। जुबली हिल्स से मोहम्मद अजहरुद्दीन कांग्रेस के उम्मीदवार। दूसरी लिस्ट में 45 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को भी टिकट। अब कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट अब फिलहाल जारी की है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, लगातार नेताओं का प्रचार प्रसार भी जारी है और चुनावी मैदान में कौन सा बेहतर होगा प्रत्याशी उम्मीदवार, उस पर भी पूरी नजर इस समय पार्टी होगी। एक और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। अब दूसरे चरण के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट अब जारी। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह लिस्ट में शामिल हैं। अमित शाह, योगी, अनुराग ठाकुर का नाम भी शामिल है। रमन सिंह, बाबूलाल मरांडी, अरुण साव भी प्रचार करेंगे। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। कई बड़े दिग्गज चेहरे बीजेपी के जो कि अब चुनावी मैदान में कैंपेनिंग करेंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील भी करेंगे। नमित त्यागी फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। तो छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, कई देखिए बड़े चेहरे इस लिस्ट में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 90 विधानसभा सीटें, 46 वो बहुमत का आंकड़ा जिसको पार्टियां पाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन कौन सी पार्टी ज्यादा सीटें लाएंगी इस पर भी सभी की समय निगाह है। एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर आम आदमी पार्टी ने पांचवें लिस्ट जारी की। पांचवें लिस्ट में 12 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। आम आदमी पार्टी इस बार छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में कहा जा रहा है कि बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। काफी अहम है छत्तीसगढ़ का चुनाव। आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में, कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सारे समीकरणों को फेल कर सकती है जो बीजेपी और कांग्रेस लगाकर बैठी है। नमित त्यागी पूरी जानकारी के साथ। नमित, ताजा अपडेट क्या है लिस्ट को लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है कि बहुत बेहतर इस बार प्रदर्शन कर सकती है आम आदमी पार्टी। नमित, देखिए बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के अंदर पांचवी लिस्ट आम आदमी पार्टी ने जारी की है जिसमें 12 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने 90 सीटों में से 45 नामों की घोषणा कर दी थी, जो कि चार लिस्ट इससे पहले आम आदमी पार्टी ने डिक्लेयर की थी, यानी कि 45 और 12 टोटल मिलाकर बात करें तो 57 उम्मीदवार 90 में से आम आदमी पार्टी उतार चुकी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में 57 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में दो फेज में चुनाव होना है। ऐसे में जिन फेजों में, पहले फेज में जिन सीटों पर चुनाव होगा वहां पर लगभग आम आदमी पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों को उतार दिया, और कुछ जो छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के, संजीव झा जो कि दिल्ली में विधायक ही हैं, उनकी तरफ से पूरी तैयारी की गई है और कल और परसों भी छत्तीसगढ़ को लेकर एक बैठक की जा रही है, यानी कि अगले 2 से 3 दिन में जो बाकी उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट भी जल्दी आएगी। लेकिन नमित, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस में ज्यादा नुकसान यहां पर कांग्रेस को हो सकता है। कांग्रेस हालांकि देखिए इस चीज को नकार रही है, क्या समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ में? देखिए दरअसल आम आदमी पार्टी ने इससे पहले जिन भी राज्यों के अंदर चुनाव लड़े हैं,
चाहे गुजरात की बात करें या फिर गोवा की बात करें, उनका वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा है। और खासकर जो शहरी इलाके होते हैं, शहरी क्षेत्र होते हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी को जरूर वोटर वोट करता है निश्चित तौर पर, क्योंकि कांग्रेस की इस वक्त छत्तीसगढ़ में सरकार है और जिस भी राज्य में जिस पार्टी की सरकार रहती है वहां पर अपनी सरकार को बचाने की चुनौती भी उस पार्टी के सामने रहती है। तो ऐसे में अगर जो कुछ वोट कांग्रेस, कुछ वोट आम आदमी पार्टी को मिलेगा तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान जरूर होगा, क्योंकि कई जगह हमने देखा, चाहे दिल्ली की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, वहां पर कांग्रेस को खत्म करने वाली आम आदमी पार्टी ही है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के अंदर अगर आम आदमी पार्टी को वोट मिलेगा, सीट मिलेगी, तो उसका नुकसान कांग्रेस को तो उठाना पड़ेगा। जी चलिए, शुक्रिया नमित पूरी जानकारी के लिए। आम आदमी पार्टी ने पांचवी लिस्ट जारी की छत्तीसगढ़ के लिए। बड़ी खबर फिलहाल जो आप देख रहे हैं, पांचवी लिस्ट ये जारी, कौन कौन से चेहरे छत्तीसगढ़ में कमाल कर सकते हैं ये भी अब देखने वाली बात होगी। एक और बड़ी खबर, तेलंगाना में गृहमंत्री अमित शाह का बयान, तेलंगाना में ओबीसी समुदाय का सीएम बनाएंगे अमित शाह का यह कहना है। तेलंगाना का विकास बीजेपी कर सकती है, अमित शाह ने यह भी कहा। बीआरएस कांग्रेस विकास नहीं कर सकती, अमित शाह ने कहा है। राहुल को पीएम बनाना चाहती हैं सोनिया गांधी। बीआरएस राज्य में सीएम बनाना चाहती है, अमित शाह ने कहा। बीआरएस ने दलित सीएम बनाने का झूठा वादा किया। वहीं भारतीय सेना आज अपना 77वां इन्फेंट्री डे यानी कि पैदल सेना दिवस मना रही है। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 77वें इन्फेंट्री दिवस का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और शहीद जवानों को याद किया। आज के दिन 1947 में सेना के सिख रेजिमेंट की अगर बात करें तो वायुसेना के विशेष डकोटा विमान से श्रीनगर में लैंड कर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तानी सेना और कबायलियों के चंगुल से बचाया था। इसीलिए हर साल 27 अक्टूबर को भारतीय सेना इन्फेंट्री डे के रूप में इसको मना दिया है। वहीं आगे अब बात करेंगे, जहां पर हरियाणा के करनाल में नमस्ते चौक पर पुलिस ने सिद्धू मूसेवाले की हत्या में शामिल गैंगस्टर सचिन भिवानी के साथी को हथियारों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से 5 पिस्तौल और 18 जिंदा रॉन बरामद हुए और पुलिस ने आरोपी को अदालत में फिलहाल अब पेश कर 2 दिन के पुलिस की रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान आरोपी कई खुलासे कर सकता है। वहीं गुजरात के साबरकांठा जिले में एक अपंजीकृत आवासीय विद्यालय से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर स्कूल प्रशासक के खिलाफ कम से कम 12 छात्रों को सुबह जल्दी न उठने की सजा के तौर पर स्टील के गर्म चम्मच से दागने के आरोप में बृहस्पतिवार को मामला दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी और आगे की कार्रवाई अब करेगी। खैरोज पुलिस स्टेशन एरिया में, खैरोज गांव में नचिकेता विद्या संस्था है जो छोटे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करता है। उनमें एक 11 और 12 बच्चों को गरम चमची से चलाए जाने की एक घटना पुलिस स्टेशन में अर्जी के तौर पे रजिस्टर करने हुई है। संचालक के विरुद्ध आक्षेप किया गया है कि उन्होंने ऐसे उनके बच्चों और उनके अलावा 11 बच्चों को ऐसे गरम चम्मच से उनको जलाया गया है। तो उसकी जो भी लीगल एक्शन है वो संचालक के विरुद्ध अभी लेने की कार्यवाही चालू में है। खैरोज पुलिस स्टेशन वहीं कासगंज पुलिस ने युवक की हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मृतक युवक पड़ोस के गांव की लड़की को भगाकर ले गया था। नाराज लड़की के परिजनों ने रस्सी से गला घोटकर युवक की हत्या कर दी, उसके शव को पेड़ से लटका दिया। पूरा मामला थाना साहब क्षेत्र के नगला भूड़ का बताया जा रहा है।
चलिए वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत। राजस्थान के डूंगरपुर में जंगल में पेड़ से अज्ञात युवक का शव मिलने पर सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पेड़ से उतरवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी है। वहीं थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान ने बताया कि कुछ चरवाहे जंगल में मवेशी लेकर गए थे और लौट रहे थे। इस दौरान चरवाहों ने जंगल में पेड़ पर एक युवक का शव लटका हुआ देखा। चरवाहों ने मामले की जानकारी सावला थाना पुलिस को दी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की गई। वहीं राजस्थान के जयपुर में एंटी करप्शन टीम ने आईएएस मेघराज सिंह रत्नू के घर और दफ्तर पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। आईएएस मेघराज सिंह रत्नू सहकारिता विभाग में रजिस्ट्रार पद पर तैनात हैं। वहीं अधिक संपत्ति के मामले में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। राजस्थान में चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर पुलिस और एफएसटी टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। टीमों ने डिडवाना जिले के लाडनू थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक गाड़ी से 4,45,000 की नकदी बरामद की। वाहन चालक के इन रुपयों को लेकर पुलिस को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद पुलिस ने एफएसटी टीम को जानकारी दी। एफएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए इस राशि को जब्त कर लिया। यूपी के आगरा में युवक का शव रेलवे लाइन पर पड़ा मिला। इलाके में 50 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस के मुताबिक ट्रेन से गिरकर महिला की मौत की आशंका बताई जा रही है। इन सोशल मीडिया पर भगवान हनुमान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में हनुमान जी उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया के मुताबिक ये वीडियो सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया है। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का है। यहाँ पर एक शोभा यात्रा के दौरान फिल्माया गया है और शोभा यात्रा में देवी देवताओं की कई मनमोहक झांकियां सजाई गई थी और ये हनुमान जी की भी झांकी उसी में से है। देखिए फिलहाल ये तस्वीरें हनुमान जी की, ये ड्रोन से किस तरह से हनुमान जी को उड़ाया गया, उसके बाद लोगों ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया और जमकर इसको शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। कहा जा रहा है कि एक झांकी के दौरान कुछ इसी तरह के आकर्षक झांकियां बनाई गई थी, जिसको देखकर लोग काफी मोहित हुए। राजस्थान के अजमेर दरगाह थाना पुलिस ने मोबाइल चोरों पर बड़ी कार्रवाई की। जायरीनों के मोबाइल चुराने वाली गैंग के 6 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एसपी चुनाराम जाट ने मामले का खुलासा किया। पुलिस ने करीब 15.5 लाख रुपए के कीमती मोबाइल बरामद करने का खुलासा किया है। चोर भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर चोर की वारदात को अंजाम देते थे। दरगाह सीओ गौरीशंकर बोहरा के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। देखिए फिलहाल ये तस्वीरें जहां पर चोरों ने कई ऐसी वारदातों को अंजाम दिया। अब पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। वहीं दिल्ली के सरस्वती म्यूजिक कॉलेज सोसाइटी की ओर से उज्बेकिस्तान के ताशकंद में शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सोसाइटी के अध्यक्ष बीआर सैनी मौजूद रहे। इस दौरान किंग ऑफ पॉप दलीर मेहंदी, अभिनेता और सांसद रवि किशन और पॉप गायिका अनामिका ने परफॉर्म वहां पर किया है। मैं हूं दलीर मेहंदी और मेरे बहुत फेवरेट हीरो, बहुत प्यारे, जिनको मैं बहुत बार देखता हूं, बहुत सारा टाइम को देख के यूनिटी, इनकी आवाज़, तो आप सब भी उनको चाहते हैं। मैं दिलेर पाजी के साथ, मैं रवि किशन, और दिलेर पाजी का मैं फैन नहीं, पूरे पूरा वर्ल्ड फैन रहा,
और वही दिलेर पाजी की मोहब्बत, उनका प्रेम और उनकी सादगी। मीका पाजी जैसे हैं वैसे दिलेर पाजी, और ये लेजेंड लोगों की मैंने देखा पहचान यही है कि दे आर वेरी नॉर्मल, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ एंड सूफी संत है और मलंग है। और ये बिग बॉस में इन्होंने जब जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा देखा था, तब से पहली बार जब फर्स्ट बिग बॉस पाजी आई रिमेम्बर एंड देन वो मैं उसमें निकला था फाइनलिस्ट बन के, तो तब से इनकी इनको वो मेरा वो देसीपन पसंद आया। तो दोनों देसी मिट्टी के लोग हैं हम दोनों, मतलब यही है। बहुत अच्छा लगा। हम लोग वी आर गोइंग फॉर हम लोग ताशकंद एक शो में जा रहे हैं, एंड दैट शो इज विद इंडियन एम्बेसी के साथ जो जॉइंट वेंचर में वी आर सैनी साहब, सैनी साहब हैं हमारे साथ और उन्होंने बहुत ही लेजेंडरी आदमी है। सैनी साहब को दिखा दीजिए, ये इनको आप देख के लगेगा नहीं कि ही 79 ईयर ओल्ड मैन बट ही 17 ईयर यंग बॉय, मतलब मैं इनसे इतना प्रभावित हूँ। एस्ट्रोलॉजर हैं बाय पेशे से, और ये लेके जा रहे हैं हमको पाजी, ओवर टू पाजी। तो बस आप लोगों की बहुत ब्लेसिंग चाहिए ताकि हिंदुस्तान का नाम रोशन करें और झंडे गाड़ दें वहाँ पर, और आप सबको और सब दुनिया को खुशियाँ देते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल, राम रखा, लव यू। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका में रोमांचक मैच है। चेन्नई में पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका में मैच चल रहा है इस समय, 271 रनों का टारगेट है और अब मैच जीतने के लिए 11 रन चाहिए, लेकिन 9 विकेट गिर चुके हैं इस समय साउथ अफ्रीका के। 271 रनों का टारगेट लेकिन 9 विकेट गिर चुके हैं इस समय, बहुत बड़ी खबर है। अगर पाकिस्तान आज के दिन मैच नहीं जीता तो वर्ल्ड कप से बाहर। पाकिस्तान के लिए मैच जीतना बहुत ज्यादा देखिए जरूरी है। साउथ अफ्रीका हालांकि नंबर 2 पर बनी है, अगर वो जीतती है तो नंबर 1 पर पहुंचेगी पॉइंट टेबल में। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज इंडिया, नमस्कार।